Yes, guys. देखिए आज कुछ नया बनने जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आज हम अपने प्रयोग में सफल हो जाएंगे। कल तो हमने गूंग दौड़ा कर दिया जो हमने अंडा बनाया था। आज हम आपको बनाना सिखाने जा रहे हैं आलू केक। यस, आपने सही सुना है, पोटैटो केक। वैसे तो केक सबको पसंद है लेकिन कई बार सामग्री नहीं होती घर पे, तो आलू तो सबके पास होते हैं ना, तो आलू से आज केक कैसे बनेगा ये आपको हम सिखाने जा रहे हैं। आप ध्यान रखें थोड़ा अपना। पहले आपने आलूओं को गूंग दौड़ा करना है, इसको चंगी तरह से मसल लेना है। यस, गिमी या ला ला, आवी भी। पता नहीं की बोली जाता गोरा, पर साउंड इतनी कर रहा है ला ला। यस गाइस, हमने इसका गूंग दौड़ा कर लिया है पूरी तरह से। ये देखो, आलूओं का पूरा गूंग दौड़ा करने के बाद, ओ माय गॉड, ऐसे मत करें आपने इस चीज को, क्योंकि ये बाहर भी गिर सकते हैं। कोई नहीं, चूल्हा अपना ही है, आप इसको चाक के बीच सीट लें, कोई ऐसी बात नहीं है, आप कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने देंगे। ओके गाइस, आर यू रेडी? यस, अब बारी आ गई है जिसने कल हमें बहुत ही शर्मसार किया इस अंडे की, और अब हम इसको तोड़ के इसके बीच सीट लेंगे। कोई आप टेंशन मत लें, अंडा अपना ही है, घर का नहीं, घर का नहीं है, अंडा मुर्गी का है लेकिन अपने घर बड़ा था। हाँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है अंडा। उसके बाद आपने इसमें सीट देनी है चीज। यस, आज बड़ा प्यारा केक बनने जा रहा है, आज हम फेल नहीं होंगे, आज हमारा प्रोजेक्ट फेल नहीं हो सकता। ला, उसके बाद आपने धनिया इसमें सीट लेना है, थोड़ा सा मेरे पास पुदीना था वो भी मैंने सीट लिया है। अगर आपके पास पुदीना नहीं होगा तो इट्स नॉट अ बिग डील, धनिया कम है तो भी बिग डील नहीं है। आपके आलू हैं, आपका अंडा है, नहीं आपका अंडा नहीं है, मतलब कुकड़ी का अंडा है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है, चीज आपकी है। उसके बाद बारी आती है आटे की, आटा को भी हमने इसमें सीट लेना है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लोर, एम आई राइट? ओके, फ्लोर ही कहते हैं। माफी चाहता हूं गाइस, इसको फ्लावर कहते हैं, फ्लोर नहीं कहते हैं, फ्लोर तो इसको कहते हैं। उसके बाद बारी आती है मेन शक्तियों की, हमारा सॉल्ट, सॉल्ट को सीड लें, और पार्सली, बेसल, ऐसे कुछ अंग्रेजी के नाम थे इनके, मैं कुछ नाम शायद भूल भी सकता हूं तो आप मेरे को माफ करें। सो आप इन सबको बढ़ा के जो भी आपके पास कर रहे हैं, स्टडी सामग्री गो। यस गाइस, हमने इसको सी थ्रू पांडे में निकाल लिया है, और आपने एक चमचा टाइप ले लिया है, आप इसको ऐसे करके ऐसे निकाल लें बीच में, और फिर आपने इसको गोल गोल करके ना इसके गोल गोल बनाने हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसे गोल गोल से आपने बना लेने हैं अपने पोटैटो केक को, और उसके बाद इसमें सीट के ना ऐसे मैंने पूरा देखो ऐसे ऐसे कर लिया, और चारों तरफ से इसको गेड़ा दे लिया है। सो देला गेड़ा शौकदार नड़ाने गोरिये, पूरा कर दिया हमने। गाइस क्या खूबसूरत लग रहे हैं, लुक एट दिस ब्यूटी गाइस। मैंने उस पर तेल चढ़ा दिया है और इधरों पूरी तरह से मैंने चीज को से काठा कर लिया है। गाइस आलू बहुत ही अच्छे होते हैं, आलू सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आलू गेनिंग में बड़ी हेल्प करते हैं। अगर आप कुछ भी गेन कर रहे हो, जैसे आप डोड़ा गेन कर रहे हो तो डोड़े में चढ़ जाएंगे, पट गेन कर रहे हो तो पट में चढ़ जाएंगे, बट गेन कर रहे हो तो बट में भी चढ़ जाएंगे। शर्त यह है कि आपने सिर्फ एक्सरसाइज साथ में जरूर रखनी है। ओके गाइस, सो ये जो हेल्दी केक बनने जा रहा है आप देखते जाएं। तो बीच रखने की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। गाइस मैं बता रहा हूँ, आलू बड़े काम की चीज है, चाहे हुण पट ते चाहे हुण बट, आलू चढ़ जाएंगे चटा चट। आप इस केक को देखें, बड़ी कमाल की प्रोजेक्ट सफल हो गया है गाइस, प्रोजेक्ट सफल हो गया है। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बड़े कमाल के लग रहे हैं, वाह वाह वाह। अब मैंने इसको उड़ा दे दिया था, मतलब यार अंग्रेजी इसमें होती है, मैंने इसको अपसाइड डाउन कर लिया था। यस गाइस, इसको अपसाइड डाउन कर लें और ऐसे बन जाएंगे। दूसरी तरफ से भी ये पूरे कुक हो गए हैं, बिल्कुल ऑयल फ्री है, शुगर फ्री है, सॉल्ट फ्री है, इसमें सोडियम नहीं है, ऑयल नहीं है, मजाक कर रहा हूं, इसमें सारा कुछ है, लेकिन प्यार तो है ना, प्यार भी है, प्यार का सारा मूल है। और आलूओं को तो आपको पता ही है, आलू आपके डोले में भी चढ़ जाएंगे, पट में भी चढ़ जाएंगे और बट में भी चढ़ जाएंगे। लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, आई नीड माई स्पून राइट नाउ गाइस, बहुत ही अच्छे बने हैं। और नहीं नहीं, लेकिन अभी पूरा नहीं हुई है सामग्री, अभी इसमें सॉर क्रीम पड़ेगी, ये बहुत हेल्दी होती है, इसमें बिल्कुल फैट नहीं, नहीं थोड़ी सी होती है फैट, लेकिन मजा बढ़ाता है। देखिए इसकी शक्ल ऐसी आएगी, आपके पोटैटो केक बिल्कुल रेडी होते जा रहे हैं। लास्ट मैंने एक इंग्रेडिएंट इस पे डालना है, उसके बाद मैं और मेरी सामग्री अश अश कर उठेंगे। लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, ये आर्ट है, ये आर्टिस्ट ही कर सकता है। टेंशन मत ले, गाने बन रहे हैं साथ साथ, डबिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि मुझे स्टूडियो नहीं मिल रहा है यहाँ पर, और मैं थोड़ा क्वारंटाइन में हूँ, जल्दी ही स्टूडियो मिल जाएगा और मैं डबिंग स्टार्ट कर दूंगा, गाने ठाठा कर देंगे। लेकिन यहाँ गाना, एक्टिंग करना आर्ट है, ये खाना बनाना भी एक आर्ट है, इसको भी आर्टिस्टिक में वे में ही लें और देखें कितना कमाल का मैंने चीज बनाई है आज। लव यू गाइज, इंजॉय करें, आई लव यू माई फैंस, लव यू।
हाय।